अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग भी अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आपके रोज़े भी अच्छे से गुजर रहे होंगे। और ये मैं जा रही हूँ इफ्तार पार्टी में, तो मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये मैं दिखाती चलूँ। तो ये ड्रेस है मेरा और इस पर कंट्रास्ट दुपट्टा है। दुपट्टे कलर कैमरे में थोड़ा सा तेज़ आया है और ये कुछ इस तरीके का गेटअप है। और यही मैंने असर की नमाज़ पढ़ी थी तो जानमाज़ ऐसे ही पड़ा है, तो मैं इसे उठा लेती हूँ। मैं तो रेडी हूँ, बच्चे भी रेडी हैं, तो बस अब हम लोग निकलते हैं। तो हम लोग निकल गए हैं। तो आज रमज़ान का फर्स्ट जुमा है, पहला जुमा पड़ा है और इसमें जो है इफ्तार पार्टी मिली है, जो कि मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं उनकी वाइफ ने हमें इनवाइट किया है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ने इनवाइट किया है। तो बस हम लोग जा रहे हैं, हमारे घरेलू जो है ताल्लुकात हैं, तो इसलिए हम लोग बहुत ही हमारे घर से आना जाना है, दोस्ती है। तो लेकिन अभी ये नए फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं और तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। और यहाँ से मतलब फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो कुछ स्वीट वगैरह तो बनता है या कुछ इस टाइप का, तो बस हमें मैं स्वीट की शॉप ढूंढ रही हूँ कि यहाँ पे कोई अच्छे से स्वीट शॉप हो, तो वहाँ से मैं स्वीट वगैरह ले लूँ या फिर चॉकलेट वगैरह ले लूँ। तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन मैं उलैया में जाके मुझे मिला, क्योंकि इनका घर भी उलैया सुलेमानिया वहीं आसपास है, तो वहाँ काफ़ी अच्छी स्वीट्स की शॉप वगैरह थी। तो फिर मैंने कार रुकवा के मैं खुद जाके लेके आई हूँ और ये शॉप है। और जल्दी जल्दी में मैं शॉप का नाम तो नहीं या शॉप के वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई, और लेकिन शॉप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छी थी। और यहाँ जो अरेबिक जो प्योर ऑथेंटिक जो है अरेबिक स्वीट्स होते हैं, वो सारी स्वीट्स यहाँ मौजूद थी और बहुत ही खूबसूरत थी यहाँ की शॉप थी। और यहाँ जो स्वीट्स थे, चॉकलेट्स थे और बहुत तरीके के जो है आपको हर टाइप के आपको चॉकलेट्स यहाँ मिलेंगे और स्वीट्स भी बहुत तरीके के, जो मिडिल ईस्ट में जो स्वीट्स मिलते हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद थे। और यहाँ पे जो सेल्समैन थे जो बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही अच्छे से उन्होंने वेलकम किया, और बस मैंने जो है जल्दी जल्दी सेलेक्ट किया और बस क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं था, और जल्दी जल्दी मैंने सेलेक्ट किया और वो लोग गिफ्ट रैप करने में लग गए और मैं तब तक वेट करने लगी और यहाँ की वीडियो बनाने लगी कि यहाँ के भी लॉ थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। बहुत ही खूबसूरत शॉप लग रही थी और रमज़ान की वजह से ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि रमज़ान डेकोरेशन हुई थी और यहाँ मोस्टली शॉप पे ऐसी रमज़ान डेकोरेशन होती है। और यहाँ के स्वीट्स वगैरह आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डिफरेंट स्वीट्स होते हैं यहाँ के, और यहाँ का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और मुझे अरेबिक स्वीट्स बहुत पसंद हैं और मैं घर पे बनाती भी रहती हूँ अरेबिक स्वीट्स, तो मुझे इस टाइप के स्वीट्स बनाना बहुत पसंद है। तो यहाँ मेरा जो है गिफ्ट रैप हो गया है और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। बस मैं फटाफट से लेके बाहर निकल गई और अब हम आ गए हैं घर पे, मीन्स जो है फ्रेंड के घर आ गए हैं। और यहाँ से इनके घर से बाहर का व्यू कुछ इस टाइप का है, और मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ से बाहर का व्यू ज़रूर रिकॉर्ड करती हूँ, और यहाँ से भी बहुत ही अच्छा व्यू था और अच्छे एरिया था, अच्छी कॉलोनी थी। और बस बच्चे बैठे हैं, एक आध दो फैमिली थी, बहुत ज़्यादा फैमिली नहीं थी। और बस मैं थोड़ा सा टहल रही हूँ और घर के मेज़बान किचन में है, और बस मैंने कहा कि मैं भी हाथ बटा देती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बस आप बैठिए। तो ये हमारी इफ्तार अब रेडी हो गई है, हमने रोज़ा खोला और फिर हम लोगों ने बैठ के बातें शातें की और अच्छा लगा, अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। फिर हमने साथ में चाय पी और बहुत फिर नमाज वगैरह के बाद हमने डिनर किया, डिनर में बिरयानी थी, रायते थे और काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। और बस अब हम लोग वापस आ रहे हैं और बस बहुत ही अच्छा आज का दिन रहा और हमने काफ़ी देर तक जो है एंजॉय किया।
और हम वापस आने में 12 बज गए थे, क्योंकि बहुत देर तक, मतलब एक फैमिली वो होता है तो बस एक फैमिली की तरह एंजॉय किया हमने, बिल्कुल रिलैक्स होके। कुछ फॉर्मेलिटी वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, जो हम लोग बिल्कुल घर की तरह हमारा उनसे रिलेशन है। तो बस हम लोग बिल्कुल फ्री होके काफ़ी देर तक बैठे और बहुत अच्छा लगा। तो आज ही वहाँ पे एग्जीबिशन था ग्रैंड प्लाज़ा में, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा होते हुए चलते हैं। तो ग्रैंड प्लाज़ा में भी थोड़ी देर रुक गए, क्योंकि यहाँ 2 बजे तक ये एग्जीबिशन ओपन होना था। तो बस मैं अंदर घुसी, ये ग्रैंड प्लाज़ा में था, और फिर उसके बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता। चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।